असलम फ्रेंड्स वेलकम टू लाइबा हेल्थ टिप्स व्यूअर्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए थैंक यू तो व्यूअर्स लीमू जिसकी पैदाइश दुनिया के हर हिस्से में होती हैं अपने फ़वाद के लिहाज से कीमती पलों का बादशाह है मगर हमारी नाकदरी की वजह से इसे मामूली सब्जी समझा जाता है कुदरत ने इसमें साइट्रिक एसिड कैल्शियम पोटाशियम फौलाद फॉसफोरस और विटामिन ए और बी का ख़जाना रखा है तो चलते हैं वीडियो की जाने व्यूवर्स मैं अब आपके साथ लीम के टिप्स शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही बेहतरीन और आजमदा टिप्स हैं नंबर वन लेमन शैम्पू इस्तेमाल कीजिए लेमन से बालों की सब चिकनाई ख़त्म हो जाती है रेशमी बालों के लिए दही लीम का अर्क और अदरक का अर्क मिलाकर सर पर लगा दीजिए और कुछ देर लगा रहने दीजिए और फिर शैम्पू कीजिए नंबर टू लीम के अर्क से सिर की खुश्की का इलाज भी हो सकता है दो चमचे जैतून या नारियल के तेल में दो चमचे लीम का अर्क मिला लीजिए और इसको सर पे अच्छी तरह मलिए इसको एक घंटा लगा रहने दीजिए और फिर गर्म पानी से धो लीजिए खुश्की के इलाज के लिए बालों की जड़ों में खालिश लीमू का अर्क भी लगाया जाता है नंबर थ्री गर्मियों में लीमू का शरबत बहुत ताजगी बख्शता है और प्याज को भी बुझाता है लीमू के छिलके काट कर इनमें कुछ नमक मिर्च सरसों का पाउडर मिल दीजिए और एक बोतल में इन सब को सिरके के साथ कुछ दिनों धूप में रखिए एक हफ्ते में इसका बहुत लजीज अचार बन जाएगा नंबर फोर एक बात का ख्याल रहे कि लीम के अर्क में साइट्रिक एसिड की मौजूदगी की वजह से ये जरासीम कोश भी हैं लेकिन ख़ालिश लीम का अर्घ कभी नहीं काना चाहिए हमेशा किसी कानी में डालकर या पानी में मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए नंबर फाइव लीमू की छिलकी सुखा कर उसका पाउडर पीस लीजिए ये पाउडर पानी के साथ मुंह में मलने की भी काम आता है और बहुत से कानों में खुशबू के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है साबुन की बजाय इस पाउडर से मुंह धोया जाए तो संती पैमाने पर यह साइट्रिक एसिड और लीम का तेल बनाने के काम भी आता है नंबर सिक्स लेमू में विटामिन सी वाफ़र मकदार में होने की वजह से ये जल की बीमारियों और मसूड़ों के लिए भी बहुत मुफीद है नंबर सेवन लीम खून की गर्दिश को बढ़ाता है और शरीनों पर दबाव कम करता है आंतों में हरकत पैदा करता है मतली को फ़ायदा करता है और जिगर के लिए मुफीद है इसमें ग्लूकोज मदिनियाती नमक और फौलाद वाफर मकदार में होते हैं जिसकी वजह से ये एक सेहतमंद सेहतमंदा है अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो सुबह को एक गिलास पानी में लीम का अर्क और शहद मिलाकर पी लीजिए इससे मैदा भी साफ होता है और चेहरा भी तरोताज़ा नज़र आता है तो व्यूवर्स ये थी मेरी आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा मुझे दुआओं में याद रखिएगा कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अल्लाह